चलिए देखो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। हमसे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। हम ही अपने आगे आगे खड़े हो जाते हैं, मुझे आज नहीं पढ़ना, आज मुझे आलस से आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यदि आप बहुत आसानी से समझ जाए मेरी बात को। स्पिरिचुअलिज्म में चलते हैं, थोड़ा सा अध्यात्म की बात बताता हूँ। अध्यात्म से दूर दूर से नाता नहीं है आप लोगों का। हमारे शरीर और हमारे अंदर जो हमारी पूरी बॉडी है, ये बॉडी दो भागों में विभाजित है। एक हिस्सा है शरीर जो आप देख रहे हैं अभी, जो कि बनता बिगड़ता रहता है। कभी आप कमज़ोर हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, कभी आप बड़े हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कभी आप बीमार हो जाएंगे, कभी आप परेशान हो जाएंगे, है ना। तो एक है शरीर आपका, ये जो आपको दिखता है। एक होती है चेतना, शरीर के अंदर का ही विषय है चेतना। शरीर और चेतना के मध्य द्वंद्व चलता रहता है। शरीर को सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है खाना, इसको भोजन चाहिए। ये हमेशा भोजन चाहता है, अच्छा भोजन चाहिए, हमेशा उसी की मांग करता है। दूसरा सोना, और तीसरा काम वासना। ये तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ ये करना ही नहीं चाहता है। इसको आराम मिल जाए, इसको ज्ञान से मतलब नहीं है, शरीर को ज्ञान से मतलब नहीं है। ज्ञान का काम चेतना करती है, वो चेतना का काम होता है। ये तीन चीज़ें आपको आकर के रोकती हैं हमेशा। ये एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं, वैसे वास्तविक स्वरूप हमारा देखा जाए तो हमारा वास्तविक स्वरूप हमारी चेतना है जो हमारे ऊपर काम करती है। हमारा जो हमें जो अंतिम लक्ष्य जो हमारा प्राप्त कराएगी, हमारी चेतना कराएगी। हमेशा जब आपका शरीर आपके ऊपर हावी होता तो चेतना आके रोकने का काम करती है, आपको मना करती है। आपको गिल्ट जो महसूस होता है ना, वो चेतना के कारण होता है। चेतना हर बार शरीर की जब आप वो पूरी करने चालू करते हैं इसकी इच्छा, जैसे कि सुबह 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 आप शाम को चेतना रात में अलार्म लगवाती है आपसे, वो काम चेतना का होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन जब सुबह होती है तो शरीर हावी हो जाता है। शरीर कहता है अरे रजाई से क्यों निकलूं, क्योंकि उसको तीन ही काम करने हैं, एक तो आराम, सोना। तो रजाई के अंदर से निकलना ही नहीं चाहता शरीर। समझिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा शत्रु है आपका, वो आपको निकलने ही नहीं दे रहा वहां से। शरीर हावी हो जाता चेतना के ऊपर, बोलता कैसे करोगी आप सुबह सुबह। फिर वो बड़े मुश्किल से आप अर्जेंसी में आते हो क्लास। जिस दिन क्लास आपकी 2 बजे की हो जाए तो आप 2 बजे उठोगे, हो सकता है 11-12 बजे तक आपकी नींद पूरी ना हो उस दिन। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, शरीर आराम चाहिए उसे। जब ट्रेन पकड़नी होती है आपको ना, शरीर कहता है क्या जरूरत है, क्यों जाना, बढ़िया गर्म रजाई है, इसी में रहना। चेतना कहती है चलना है। पढ़ने के लिए चेतना लाती है आपको, शरीर नहीं लाता है। तो शरीर हमारा दुश्मन है, इसको खाना दे दो, सोना दे दो और काम वासना दे दो। तृप्ति चाहिए इसको, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये तीन चीज़ों पे ही ये पागल रहता है। इसको बाकी तीसरा काम, इसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, बोध से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा विषय है चेतना। मैं जैसे आसान भाषा में आपको समझाऊँ, आप हैं, आपका एक पड़ोसी है, आप हैं और आपका एक पड़ोसी है। शरीर आपका पड़ोसी है, आप नहीं हो। पड़ोसी क्या करता है, जब उसे उसकी ज़रूरत होती है तो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, आपके घर पे आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। आप क्या करते हो, दरवाज़ा खोल देते हो और आपका समय ख़राब करके चला जाता है। समझिए मेरी बात, बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। यदि इस बात को समझ गए तो आज हो सकता है आपकी समस्या का निदान हो जाए। जो परेशान रहते हैं ना आप लोग, कोई आपके आप हैं, आपका बगल पे ही एक दोस्त है आपका जो रह रहा है, आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय आया, आने के बाद खटखटाया और थोड़ी देर बढ़िया चाय मस्ती, क्या हमेशा पढ़ते रहते हो, आपका टाइम वेस्ट किया, चला गया। आप चाहो तो दरवाज़ा नहीं भी खोल सकते हो। वैसे ही शरीर करता है। जब आपका मन कहीं पे लग रहा होता है तो शरीर आता है, दरवाजा खटखटाता है, बोलता है भूख लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। आपने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया, बोला हाँ बिल्कुल खा लेते हैं। उसने कहा काम वासना है मेरे ऊपर, आपने दरवाजा उसने खटखटाया, आप उस पर तृप्त हो गए। उसको YouTube चाहिए, उसको मज़ा चाहिए, आनंद चाहिए उसको। आनंद बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। YouTube की दुनिया में आपका शरीर आपको ले गया, क्योंकि उसको आनंद की अनुभूति चाहिए। इसके बाद उसे सोना चाहिए, दरवाजा खटखटाया, सोना है। इन सब चीज़ों में आपको झगड़े रहता है। आप चाहो तो दरवाज़ा ना खोलो, ये भी तो कर सकते हो। आप उसे मना कर सकते हो, आज नहीं कल करेंगे। अपने दोस्त को आप बोल सकते हो ना कि यार आज नहीं कल चलते हैं वहाँ पे। तो अपने अब देखो, ये पड़ोसी है आपका, पड़ोसी है तो डेली आएगा, ये भी है। ऐसा नहीं कि आज मनक आज ही कुछ। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों की मानसिकता कैसे चलती है। आप लोगों की मानसिकता ये होती है कि आज अंतिम बार है करूँगा, आज अंतिम सो लेता हूँ, कल से टाइम से उठूँगा, ये सोचते हो। काम वासना भी यही होता है, आज अंतिम बार कर रहा हूँ, कल नहीं करूँगा इस बात को।
यही चीज़ आपके खाने में भी होती है। आज अंतिम खा लेता हूँ, कल से डाइटिंग में चला जाऊँगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको लगता है अंतिम बार, आपको लगता है वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा फिर आएगा, क्योंकि वो तो पड़ोसी है, उसकी तृप्ति नहीं पूरी होनी है। आप एक बार कर लीजिए, दो बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 100 बार कर लीजिए, 1000 बार कर लीजिए, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता और उसका विस्तार होता चला जाता है। तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि आप उसे मना कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जब दरवाजा खटखटाए, आप क्यों उसे प्रवेश देना चाह रहे हैं? मेरी बात यदि आप समझ पाए तो आप बहुत बड़ा काम सीख जाएंगे। उसे बोल दीजिए कल आना, आज नहीं कल चलते हैं, कल सो लेंगे, कल खा लेंगे, आज पढ़ लेने दो। ये तभी हो सकता है, आपके अंदर बहुत बैड हैबिट्स है। बैड हैबिट्स कब पनपती हैं? जब आप खाली होते हैं, निर्द्वंद होते हैं, आपको लगता है कोई काम है ही नहीं हमारे पास, कोई आएगा दरवाजा तब आप अपने दोस्त के लिए खोलते हैं जब आप भी निराश पड़े होते हैं, आपकी चेतना के पास कोई काम ही नहीं होता है, तो आपको लगता है आ जा बैठ जा भाई, मेरा तो ऐसे ही पड़ा था, आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, थोड़ी देर तेरे साथ ही गपशप कर लेते हैं। तो आप चाहो तो दरवाजा नहीं खोल सकते और उसको बाहर से ही बोल सकते कि भाई कल आना, कल बात करेंगे, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज मुझे बड़ा इमरजेंसी काम है। यदि ये चीज़ आपने क्रिएट कर, जैसे कि सुबह उठने का, अपने हेल्थ को प्राथमिकता दो, इतनी प्राथमिकता दो कि भाई कुछ भी हो जाए, 6 बजे यदि आपने सेट किया कि 6 बजे उठना है मुझे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, आराम करना है, तो आप बड़े आसानी से जैसे ही नींद आती है अपने शरीर को मना कर सकते हो कि कल सो लूँगा मैं, कल का टाइम है, कल सो लूँगा, बेवकूफ़ बनाते जाओ। आप यदि ये सोच रहे हो कि आज आया कल नहीं आएगा, कल पक्का आएगा, जरूर आएगा, मना करने की आपकी बात है, आपके हाथ में है, लेकिन आप दुश्मन बनाए पड़े हो। बिजी करो अपने आप को, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, महज 60 साल की ज़िंदगी लेकर के आए हुए हैं हम, 60 साल भी बहुत ज़्यादा ही है, हो सकता है कब निपट जाएं, आकस्मिक मौत भी होती है, तो समय कहाँ रहा बताओ, इतने काम करने हैं। आप नहीं चाहते हो कि आप एक रीज़न दो कि दुनिया आपको इसलिए जाने आपके नाम को, कोई है रीज़न आपके पास? एक रीज़न दे दो कि दुनिया मुझे इसलिए जाने, एडिसन ने रीज़न दिया था, आज दुनिया उसे जानती है, आइंस्टीन ने रीज़न दिया था, दुनिया उसे जानती है, न्यूटन ने रीज़न दिया था, दुनिया उसे जानती है। आपके पास है कोई रीज़न कि दुनिया आपके नाम को जाने? क्यों? क्योंकि आप किन्हीं दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत ज़रूरी है। आपको यदि डेली बैड हैबिट्स आकर के रोकती हैं, आप उन्हें मना करना सीखिए, नहीं तो आपके ऊपर हावी होंगी और इतने बड़े स्तर का हावी होंगी कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके हाथ से बात निकल जाएगी और फिर सिर्फ और सिर्फ आप हाथ मलते रह जाओगे। अभी आपका मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता भाई? क्या सोने में मन लग रहा है? क्या खाने में मन लग रहा है? क्या काम वासनाओं में मन लग रहा है? क्या मन को तृप्त करने में ही आप अभी तक बिजी हैं? यदि ऐसा है तो इस बात को समझ लीजिए, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो आपको ख़त्म करके रख देगा, आपका विनाश कर देगा, समूल विनाश करके वो जाएगा, वो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, वो आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगा, वो आपको जीवन के अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुंचाएगा। और आपका जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि दुनिया आपके नाम से आपको जाने, वो तभी हो सकता है जब आप दुनिया के लिए कुछ करके जाएं, और करके जाएं स्वार्थ परक वर्क नहीं होना चाहिए आपका, आपका स्वार्थ उसमें महज छिपा नहीं होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए आपका, तब तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी बात शायद समझ गए होंगे आप कि आप क्यों फंसे हुए हैं, क्यों आप सुबह डेली बोलते हैं, क्योंकि शरीर को तीन ही चीज़ चाहिए, वो तीन आवश्यकताओं की पूर्ति में आप परेशान हैं, उसको कोई मैटर नहीं है पढ़ने से, वो नहीं चाहता पढ़ना, परेशान रहिए, बहाने ढूंढता है, वो रीज़न लेकर के आता है, काम नहीं करने के रीज़न आपको बताएगा, वो काम करने का एक रीज़न नहीं बताएगा आपको, शरीर आपका ऐसा शरीर है, समझ रहे हैं? उसे सुबह से मतलब, उसको कहता है कल चलेंगे, कल सुबह दौड़ने चलेंगे, आज ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ एक व्यक्ति को महान बना देती है जो इस बात को समझ लेता है, और यही चीज़ व्यक्ति को इंसान के तौर पर पड़े रहता है, वो ऐसे ही आता है, पैदा होता है, पैदा हुआ, पैदा करने के लिए पैदा हुआ, तो विवाह किया, काम वासना में खूब पैदे किए, खुद जनरेट किए, मर जाता है। मर गए हमारे बाबा दादा, मर गए, ख़त्म हो गए, कोई नहीं जानता, आज हम भी नाम भूल गए। यदि मुझसे कोई पूछ ले कि मेरे परदादा का क्या नाम है, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मुझे कोई रीज़न देकर नहीं गए अपना नाम जानने के लिए, ठीक है? आज मेरे पास मौका है, मैं भी चाहूँ तो ऐसे ही मर जाऊँ, है ना मौका, चाहूँ तो मर जाऊँ, निपट सकता हूँ, लेकिन यदि मैं अपने आप को समझूंगा, आपके पास भी मौका है आज कि आप कल दुनिया को एक रीज़न दे के जाओ,
कि आप क्यों हो, आपकी क्या जरूरत है, आप क्यों होना चाहिए आप, ये बहुत जरूरी है। देखो नहीं तो कुछ नहीं होना, देखो लाइफ बहुत आसान है, कल के दिन आपको कुछ भी नहीं होगा ना तो भी जिंदगी कट जाएगी। सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, अभावों के कारण से आप जिंदा और मरते नहीं हो। अभाव तो आपको भी फील हो रहा है और कुछ नहीं, जैसे ही चेतना जगती है वैसे ही लगता है अरे मैं क्या कर डाला। आपको लगता है जब अब भी आप कोई गलत काम करते हैं उसके बाद आपकी चेतना आके बोलती नहीं कि क्या कर दिया तुमने, शरीर को खुश करने के लिए तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अभी आप टाइम वेस्ट करते हो। देखो उम्र हमारी ऐसी है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर अट्रैक्शन होते हैं, हम बहुत सारे मामलात में फंसते चले जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। यदि आप इन चीज़ों को समझ लें, कम समय में आप अच्छे बड़े स्तर का ज्ञान पा सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि आपको दुनिया इस नाम से जानेगी। आज विराट कोहली को देख लो, वो बच्चा जब शुरू किया होगा खेलना, सचिन तेंदुलकर को आज ऐसे ही थोड़े जानते हैं, उसने आपको संयमित किया, 15-16 साल की उम्र से ही संयमित कर लिया, समझ रहे हैं। जितने भी बड़े लोग मिलेंगे उन्होंने संयमित किया अपने आप को, तब आज वो बड़े बने हैं। उनके पीछे की कहानी वो तो आज आपको दिख रहा है कि हाँ ये बहुत नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संयमित किया अपने आप को, तब आज यहां पर पहुंचे। देखो जब हमें कोई चीज मिलनी चालू हो जाती है ना तो बहुत लोग ठहर जाते हैं, लोगों को लगता है बस हो गया, इनफ है, यहीं से एंड है। कुछ लोग नहीं ठहरते हैं, जो नहीं ठहरते हैं वो बड़ा कर जाते हैं, उनकी भूख खत्म नहीं होती है, चेतना की भूख। शारीरिक भूख तो कभी खत्म नहीं होगी, एक चीज ध्यान रखना, यदि शरीर को खुश करने चल पड़े जिंदगी में कभी खुश नहीं कर पाओगे, लिख लो मेरी बात, बर्बाद कर देगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यदि आपको कुछ बनना है तो मेरी इस बात को समझिए और इस बात को यहां तक पहुंचिए कि आज से प्रण कर लो कि शरीर की भूख को नहीं मिटाना किसी भी तरीके से। जब भी आपके पास शरीर आए उसे मना कर दो कि भाई कल बात करते हैं, कल मिले, वो आएगा। ये भी मत सोच के चलो इतने बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध नहीं बन गए हम लोग, हम हैं साधारण इंसान कि हम उस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। विजय उजय नहीं होती है, वो डेली आएगी, डेली परेशान करेगी, डेली सताएगी, डेली नहीं उठने का मन करेगा, डेली उठना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर 3 बजे उठता था और उठने के बाद प्रैक्टिस में जाते थे, उनका भी मन करता रहा होगा कि यार आज रहने दो, आज सोते हैं। तो जितने लोगों ने काम किया है वो कुछ करके, जो डेली सिंगर हैं, डेली बैठते हैं, रियाज करते हैं, आप छात्र हैं, आपने सोचा है ज्ञानवर्धन के लिए, डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली रियाज करना पड़ेगा। जो जितना रियाज करे वही उतना राज करे, यदि आपको राज करना है तो रियाज करना पड़ेगा, बिना रियाज किए आप राज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, यदि समझ गए तो आप सुधर जाओगे, नहीं समझे तो समय बर्बाद कर दोगे, ठीक है। आपको सोना, आपकी काम वासना, आपकी ये सब चीज़ें आपको खा जाएंगी, फिर आपको बाद में यही होगा गए। अपने आप को बिजी कर दो, व्यस्त कर दो, आपके पास टाइम ही ना हो, जो भी आए मना कर दो, भाई अभी टाइम नहीं है, कोई भी हो, आपका शरीर हो चाहे जो भी हो, समझ रहे हो। तो अपने पड़ोसी के साथ अब बच के रहना है, पड़ोसी ठीक आदमी नहीं है, पड़ोसी से कर लो दुश्मनी, समझ रहे हो, पड़ोसी से दुश्मनी होती है ना, घर के बगल में ही बोलचाल नहीं होता है और सुकून से ज़िंदगी जी रहे होते, नहीं तो डेली पड़ोसी आता, आज चाय पत्ती दे दो, आज चीनी दे दो, आज दूध खत्म हो गया, उसके पास कुछ रहता ही नहीं है, इससे अच्छा है उसे बोलचाल ही बंद, समझ रहे हो। ये शरीर आपका पड़ोसी है और कुछ नहीं, ये क्या है, कल के दिन जानते हो ये आग में जला दिया जाएगा, इसकी राख बचती है और कुछ नहीं होता है। आप इसको जो हष्ट पुष्ट खिला पिला के मजबूत करने में लगे हो ना, ये मजबूती किसी काम की नहीं है आपकी, आपकी मजबूती होगी बौद्धिक चेतना की, वहां पे जितना मजबूत हो गया आप, शरीर से कुछ नहीं होता, कहते हैं ना जिगर से होता है, वो जिगर बौद्धिक चेतना है, उसको विकसित करो, उसे खिलाओ पिलाओ, उसका ज्ञानवर्धन करो, उसको ले जाओ क्रिएटिविटी में, उसको ले जाओ इनोवेशन में, तब आप काम कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी हम दुनिया को दे के नहीं जा पाएंगे, साधारण की तरह आए थे साधारण की तरह निपट जाएंगे, ठीक है। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, जानवर भी पेट भरते हैं जबकि उनके पास कोई चारा नहीं होता, उनको कोई फिक्स भी नहीं होता, लेकिन डेली का भोजन उन्हें मिल ही जाता है, समझ रहे हैं ना। यदि जानवर की तरह जीना है, डेली पेट भरना है, सोना है, काम वासनाओं में तृप्त रहना है, बस खत्म बात, इतना ही तक है तो कोई बात नहीं, हम जानवर नहीं है ना, इससे ऊपर उठ के हैं ना, यदि इससे ऊपर उठ के हैं तो हमारे वर्क भी हमारा एक्शन भी उतना ही होना चाहिए। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप, बाकी आपके ऊपर है आप कितना समझना चाहते हैं।
इस पर एक्शन कीजिए, काम कीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको कोई रोक रहा है उसे मना कीजिए, आज नहीं कल करूंगा। उसके साथ पोलाइट बिहेवियर कीजिए, नहीं वो भी खतरनाक है, वो ज़्यादा हावी हो जाएगा। पोलाइट बिहेवियर कीजिए, बिल्कुल विनम्रता के साथ मना कीजिए, तब तो मान जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ कल पक्का, कल फिर आएगा। और जब कल फिर आए तब कल आप उतने बिजी फिर लगने चाहिए उसको। उसको जैसे ही आया, अरे यार ये तो आज फिर बिजी है, फिर चला जाएगा लौट के। परसों फिर आएगा, फिर उतने ही बिजी लगने चाहिए, खाली नहीं पड़े होने चाहिए। खाली पड़े रहोगे तब तो फिर उसको तो मजा ही मजा है, वो तो आपका यूज कर लेगा। समझ रहे हो? व्यस्त रहो, मस्त रहो, खाली रहोगे बर्बाद हो जाओगे। थको मत, किस चीज से थक रहे हो, क्यों थक रहे हो, थकान किस चीज की है बताओ? थकान आपके शरीर की है बस, और कुछ नहीं। वो थक जाता है, वो बेवकूफ बनाता है आपको ताकि आप आराम करो। अरे एक बार पसीना बहाओ, थकान पे भी काम करो, तब तो काम बनेगा। आप ही में से कोई निकलता है बनता है पैरा कमांडो, आप ही में से कोई जो अपने शरीर को मना करता रहता है वही जाकर पैरा कमांडो बन जाता है, समझो कितना। तो आप ही में से कुछ भी बन सकते हैं, बस आपके अंदर मना करने की हिम्मत होनी चाहिए। अपने आप को मना नहीं कर पा रहे तो दुनिया को क्या करोगे आप? पहले अपने आप को जीतो, फिर दुनिया को जीत लोगे आप तुरंत ही। सारी लड़ाई अपने आप से है, दुनिया से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब कुछ बिगाड़ने वाला अपने अंदर बैठा है, वो हमें खाए जा रहा है, उससे हम नहीं जीत पा रहे हैं। डेली हम किसते रहते हैं, डेली कुलजते रहते हैं, डेली रोते रहते हैं, डेली ये लगता है क्या हो रहा है। अरे इतनी छोटी सी बात, उसको नहीं जीत पा रहे हो आप तो क्या करोगे? आपको दुनिया कैसे जीत पाओगे? सपने बड़े बड़े रख लिए, अपने आप को जीत नहीं पाए। तो ये फैंटेसी से, दीवा स्वप्न से अपने आप को हटाओ, कुछ नहीं होता इससे। कठोर निर्णय लो अपने प्रति, अपने प्रति उदारता मत बरतो, अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। दूसरों के लिए उदार रहो लेकिन अपने लिए उदार मत रहो, नहीं तो बर्बाद कर देगा आपको उदारता। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने प्रति उदार होता है वो बर्बाद हो जाता है, लिख लो। समझ रहे हैं मेरी बात को? है ना?